व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। मेरा नाम है आदिल और अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा होगा तो डेफिनेटली आप एक स्ट्रीमर हो या तो फिर आप एक स्ट्रीम करने की सोच रहे हो। और जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है स्ट्रीम की क्वालिटी को लेकर, क्योंकि आप देखते हो कि अदर स्ट्रीमर जो भी स्ट्रीमर सब स्ट्रीमिंग कर रहे हैं उनकी स्ट्रीम की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, बट आपके पास अच्छा खासा पीसी है, अच्छा खासा आपके पास नेट स्पीड है, बट स्टिल आपकी स्ट्रीम क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छा नहीं है। सो मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है या तो फिर इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अगर आप ये सब चीज अपनी सेटिंग पे करते हो तो डेफिनेटली गाइस आपकी स्ट्रीम की क्वालिटी टॉप नॉच होने वाली है। जिन लोगों इस सेटिंग के बारे में पहले से पता ऑब्वियस बात है उनकी स्ट्रीम की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, बट आपको पता नहीं है इस वजह से आपकी स्ट्रीम की क्वालिटी काफी ज्यादा लो है। कुछ सेटिंग मैं बता रहा हूं, फटाफट इसको इंप्लीमेंट कर दो एंड देखना आगे आप अपने भाई को थैंक यू जरूर से बोलने वाले हो। तो बॉयज सबसे पहले आपको आ जाना अपनी ओबीएस की सेटिंग के अंदर। यहां पे ओबीएस की सेटिंग के अंदर में आपको कुछ सेटिंग करनी है जिसके बाद आपकी स्ट्रीम की क्वालिटी ऑटोमेटिकली हाई होने वाली है। और मुझे गारंटी बॉयज आप लोग आके थैंक यू जरूर से आके लिखने वाले, क्योंकि ये काफी ज्यादा एक अच्छी सेटिंग सब है। सबसे पहले आपको जाना एडवांस के सेक्शन में, वहां पे आपको जो प्रोसेसर प्रायोरिटी है उसको आपको कर देना एबव नॉर्मल पे। इसको आप क्या है नहीं है इसके पीछे अगर बोलेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो बस आपको इसको एबव नॉर्मल में कर देना। फिर सबसे जो इंपॉर्टेंट वाली चीज है वो है वीडियो सेक्शन में। वीडियो सेक्शन में आप जैसे ही जाओगे वहां पे सबसे पहले आपका जो बेस रेजोल्यूशन है, जितना भी आपका अगर डिस्प्ले हुआ तो लगभग लोगों का इतना ही होगा 1920x1080, बट बेसिकली जो यहाँ पे आपको चेंज करना वो करना आपको आउटपुट रेजोल्यूशन में। यहाँ पे आपको करना 2560x1400, इसको आपको मैन्युअली लिखना है। अब देखिए ये जो आप ये सेटिंग करोगे इसका फायदा ये होगा कि आप कर रहे हो फुल एचडी में लाइव स्ट्रीम, लेकिन यूट्यूब को ऐसा लगेगा कि आप ये लाइव स्ट्रीम जो कर रहे हो आप 2K में कर रहे हो, जिस वजह से वहां पे इनकोडर अलग वाला यूज होगा, जिस वजह से आपकी स्ट्रीम क्वालिटी ज्यादा अच्छी रहेगी 1080 की कंपनी में, क्योंकि ये लगेगा उनको कि 2K के लाइव स्ट्रीम में इसके के लिए अलग इनकोडर यूज करा जाता है, जिस वजह से आपकी स्ट्रीम क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी रहेगी। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको यहाँ पे 2560x1400 जरूर से करना है। डाउन स्केल फिल्टर में ये जो भी है लेंस वगैरह उसको रहने देना, कॉमन एफपीएस वैल्यू 60 इतना नॉर्मल। इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है वो है आपको आउटपुट में जाना। आउटपुट में जाने के बाद सबसे पहले आपको स्ट्रीमिंग में इसको एडवांस पे क्लिक कर देना, ये जो आउटपुट मोड है। और दूसरी बात यहाँ पे जो आप लोग इनकोडर देख रहे हो, यहाँ पे आपको एनवीडिया का H.246, सभी लोगों लगभग लोगों के पास एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड होगा तो आपको ये सिलेक्ट कर देना। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है तो आप ये सब सेटिंग मत इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि अगर आप करोगे तो आपका काफी ज्यादा लैग वैग होने लगेगा। अगर आपके पास AMD का ग्राफिक कार्ड है तो आप इसमें नॉर्मली H.264 रख सकते हो। यहाँ पे जो रीस्केल आउटपुट है इस पे आपको टिक वगैरह नहीं करना। अब जो मेन चीज है वो यहाँ पे आके बिटरेट है बॉयज। सबसे पहले रेट कंट्रोल को यहाँ पे आपको CBR रखना है। यहाँ पे आपको ना ही बिटरेट गाइस 9000 रखना, ना ही 10000 रखना, यहाँ पे आपको बिटरेट रखना 18000 यहाँ पे आपको बिटरेट 18000 रखना। मैं ये जो सेटिंग बता रहा हूँ ये 2K स्ट्रीमिंग के लिए बता रहा हूँ, और ये नॉर्मल अगर आपके पास एक लैपटॉप है जिसके अंदर 1650 ग्राफिक कार्ड है प्लस अच्छा प्रोसेसर है तो ये सारा कुछ नॉर्मली आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपको बिटरेट 18000 रखना, तब आपकी अच्छे से 2K स्ट्रीमिंग हो पाएगी। ये बात आप ध्यान देना, आप 2K में स्ट्रीमिंग नहीं कर रहे हो, ये जो आप स्ट्रीमिंग कर रहे हो आप 1080 में कर रहे हो, लेकिन आप कोई YouTube को ऐसा शो कर रहे हो कि आप 2K में लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, लेकिन आप 2K में लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहे हो। यहाँ पे 18000 रखना प्लस यहाँ पे जो की फ्रेम इंटरवल यहाँ पे आपको 2 रखना है। प्रीसेट को आपको मैक्स क्वालिटी पे रखना, प्रोफाइल को आपको हाई रहने देना, ये दोनों जो चीज है लुक अहेड एंड विजुअल जो है दोनों को आपको टिक रखना है। फिर यहाँ पे आपको GPU 0 और ये जो मैक्स बी फ्रेम है इसको 2 ही रहने देना है। फिर आपको सिंपली इसको अप्लाई करके ओके कर देना है। अब आप लोग बोलोगे आदिल भाई ये सब सेटिंग करने का फायदा क्या? अब देखो ये सब जो सेटिंग है आप लोग ध्यान से सुनना, ये सेटिंग काफी ज्यादा लो कॉन्फ़िगरेशन के लिए लैपटॉप के लिए या तो फिर डेस्कटॉप के लिए ये नहीं है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन सब है, ये सब जो सेटिंग है गाइस, तो अगर आपके पास एक नॉर्मल सा कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप है, लाइक आपके पास Ryzen 5 वाला है या तो फिर 1650 ग्राफिक कार्ड के साथ है, प्लस आपके पास एक नॉर्मल सा लैपटॉप जिसके अंदर 1650 प्लस i5 10th generation एटलीस्ट है, तभी आप लोग ये सब चीजें अपनी सेटिंग में जाके इंप्लीमेंट करना। अगर आपके पास लो कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करोगे तो आपका स्ट्रीम काफी ज्यादा लैग हुआ। और हाँ मैं जो ये बोल रहा हूँ, आप 2K वाला लाइव स्ट्रीम जरूर से इंप्लीमेंट करना। आप ऐसा मत सोचना कि 1080 में करते तो हम लोग का प्रोसेसर प्लस ग्राफिक कार्ड काफी ज्यादा लो यूज होता है, अगर मैं 2K में करूंगा तो ज्यादा यूज होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार आप लोग सेटिंग करो, अगर नहीं हो तो इसको प्राइवेट में देखो, आप देखना आपकी जो स्ट्रीम क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी आएगी। और लास्ट में एक चीज बता रहे, अगर आपका जो भी चीज है जैसे कि आपका ये गेम कैप्चर है, आपको फिल्टर में जाना है। फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पे आपको प्लस पे आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको शार्पन ऐड कर देना। शार्पन ऐड कर तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट इसको 5 से 10 रख देना, जिसके बाद इसका फायदा ये हुआ अगर यूट्यूब इसको कंप्रेस करता है आपकी स्ट्रीमिंग को तो थोड़ा बहुत होगा, बट स्टिल इसका थोड़ा सा फायदा ये होता है कि आपका जो फुटेज दिखेगा लाइव स्ट्रीम के अंदर वो थोड़ा शार्प दिखेगा, थोड़ा सी क्वालिटी अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बॉयज। अगर मुझे उम्मीद है ये सब सेटिंग आप लोगों को अच्छी लगेगी। क्या चैनल लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर दो भाई, अच्छी सेटिंग बताए। बाय बॉयज।